इसराइल पर गलती से भी हमला ना करे ईरान। अमेरिका ने खामनेई को दी खुली चेतावनी। आपको बता दें ईरान और इसराइल में जंग लगातार जारी है। मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच चल रहा टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। दरअसल एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान की ओर से इसराइल पर एक और हमले की तैयारी की खबरों के बीच अमेरिका ने तेहरान को सीधे तौर पर ऐसा न करने की चेतावनी दी है। स्विस के माध्यम से ईरान को भेजे गए एक सीधे मैसेज में बाइडेन प्रशासन ने इस्लामिक गणराज्य ईरान को चेतावनी दी है कि उसके संभावित हमले के लिए इसराइल की प्रतिक्रिया पिछले शनिवार को किए गए हमले की तरह सीमित नहीं होगी। ये बड़ा हो सकता है, एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को बताया। हम इसराइल को रोक नहीं पाएंगे और हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि अगला हमला पिछले हमले की तरह संतुलित और लक्षित होगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने संघर्ष के बीच अब तक का अपना सबसे बड़ा प्रत्यक्ष मिसाइल हमला किया था। हमले के प्रतिशोध में इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरानी मिसाइल सुविधाओं और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। ईरानी स्रोतों के अनुसार इन हमलों में 4 ईरानी सैनिकों और एक नागरिक की मौत हो गई। इसे लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने 2 नवंबर को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल को निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ओनली को सब्सक्राइब करें।